हिस्टेरिकल फिट्स का इलाज बिना दवाई से, इसके बारे में काफ़ी लोग हमको पूछते रहते हैं, कॉल्स करते रहते हैं, तो उसके बारे में ये वीडियो में आपसे मैं बातचीत करने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ हमारे दो हॉस्पिटल्स है। एक हॉस्पिटल है जहाँ रिश्तेदारों के साथ में हम पेशेंटों को भर्ती करते हैं, एक हॉस्पिटल जहाँ शहरों के अलावा पेशेंट को भर्ती करके लोगों का इलाज करते हैं। हिस्टेरिकल फिट जो है कि जो फिट मतलब झटके आते रहते, वो झटके कभी कभी ऐसे रहते कि वो झटके एपिलेप्सी जैसे दिखते हैं, दिखने में जैसे कि ब्रेन की बीमारी हो, मगर वो रहते हिस्टेरिया के फिट्स। और मुंह टेढ़ा करना, हाथ पैर में ऐसे झटके मारना, बेहोश हो जाना, आंखें ऊपर घुमाना, या मुंह से फेस निकल जाना, लेटे लेटे हाथ पैर बहुत झाड़ना, और फिर उसके बाद में फिर सर दर्द होना, या गुंग रहना, बातचीत नहीं करना, और ऐसे अनेक झटके आते रहते हैं। अब ये हमको देखना पड़ता है कि एपिलेप्सी के झटके है, फिट्स है, मतलब जिसको मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी या एपिलेप्सी वो है जो ब्रेन के बीमारी की वजह से होता है, या फिर हिस्टेरिया है जो मन के बीमारी की वजह से होता है। अब एक बार वो मालूम हुआ कि नहीं, ये मल्टीपल अटैक्स आ रहे हैं और ये एपिलेप्सी नहीं है, क्योंकि वो क्लासिकल एपिलेप्सी जैसी नहीं है, तो फिर हम उसको हिस्टेरिया करके डायग्नोस करते हैं। वो डायग्नोस करने के पहले हम देखते हैं ईजी निकाल के, इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम, वो निकाल के देखते हैं कि भाई एपिलेप्सी है क्या, या फिर सीटी स्कैन करते हैं, जरूरत पड़े तो एमआरआई करते हैं, और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिसकी वजह से फिट आ रही है। जैसा लड़का होगा तो अल्कोहल जब बंद करते उसकी वजह से फिट आती है, या कोई ब्रेन को भेजे को मार लगा होगा उसकी वजह से फिट आती है, या कोई मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है, सोडियम पोटेशियम ब्लड का कम हुआ है उसकी वजह से फिट आ सकती है। मतलब ऐसा देखना पड़ेगा कि भाई फिट आ रही है वो हिस्टेरिकल है कि एपिलेप्टिक है। एक बार हिस्टेरिया ये क्लियर हो गया तो फिर हमको देखना पड़ता है कि भाई ये इसका सोर्स क्या है। हम क्या करते हैं कि बिना दवाई का इलाज करने के लिए लोगों की मांग रहती है कि बिना दवाई का इलाज करो, हमको दवाई नहीं होना। हम क्या पागल है क्या? पागलपन नहीं है, आप हमको दवाई देते हैं, हम दवाई मत देना। फिर हम देखते हैं कि ठीक है, दवाई नहीं देंगे, बिना दवाई का इलाज करेंगे। उसके लिए पहले हमको टेस्ट करते हैं, टेस्ट है हमारे पास में, ब्रेन मैपिंग करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं, और उसमें हमको उसकी पूरी पर्सनैलिटी पहले जान लेते हैं। घर से उसमें क्या, घर में उसमें क्या प्रॉब्लम है, घर से कोई प्रॉब्लम हो रही क्या, पति पत्नी में आपसे आपस में कोई झगड़ा है क्या, माँ बाप और बच्चे में कोई झगड़ा है क्या, भाई बहन में है क्या, प्रॉपर्टी के बारे में झगड़ा है क्या, कोई केसेस लगी है क्या, उसके बारे में टेंशन आ रहा क्या, डाइवोर्स केस है मतलब तलाक की केस चालू है, फाइनेंशियल लॉस है, आपस में नहीं बन रही है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा अलग 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 हो सकता है। अभी एक मुझे मेरे पास में अभी इतने में एक लड़का आ गया, तो उसको वो भी एग्ज़ाम दे रहा है, अलग अलग उसकी कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे रहा है, और एग्ज़ाम देने के समय वो जो कंप्यूटर या मोबाइल देखता है तो जैसा स्क्रीन खोल देता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं पीछे गिर जाऊँगा, और वो कभी कभी गिर भी जाता है, चक्कर आती है और वो बेहोश हो जाता है। अब ये जो कारण जब हम देखते हैं कि भाई क्या कारण है, सोर्स क्या है इसका, तो वो देखने के बाद में फिर उसका इलाज हम कर सकते हैं। तो हर फिट जो है हिस्टेरिकल फिट, उसके पीछे कुछ ना कुछ सोर्स रहता है कि भाई इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हो रहा है, कुछ तो भी कारण ढूंढ के हमको लेना पड़ता है। तो उसके पास में जाना पड़ता है, पास हिस्ट्री लेनी पड़ती है, और पास हिस्ट्री लेके ऐसा क्या सदमा दिल को पहुंचा हुआ है जिसकी वजह से फिट आ रही है। वो पास में हो सकता है कि 8 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में ऐसा हो रहा है, या साल भर पहले हो चुका है, तो हम उसको पास्ट लाइफ, पास्ट ईयर्स या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, सम्मोहन करके उसको, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके उसको अतीत में ले जाते हैं, और पास में ले जाके उसको सवाल जवाब करके वो ढूंढ के निकालते कि भाई इसको क्या सदमा पहुंचा हुआ है जिसके वजह से ये फिट्स आ रही है। और फिर ये होने के बाद में उसको हम काउंसलिंग के सेशन देना चालू करते हैं। तो काउंसलिंग के साथ साथ सम्मोहन उपचार, हिप्नोसिस है, इससे 5 से 10 सेशन लगते हैं, और इसमें फिर अलग 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 जो उसके कारण हो सकते हैं उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, और असली कारण ढूंढ के निकाल के फिर वो कारण तो है, अभी क्या करना है, फ्यूचर क्या है, इस तरह से तुम इसका सामना करोगे क्या। अभी आपको हम उसको सामने समझाते हैं कि भाई ये कारण से आपको फिट आ रही है, अभी ये कारण से फिट आ रही है, मगर फिट इसका इलाज है क्या। फिट आना मतलब भाग जाना, परिस्थिति से भाग जाना, तो क्या आप भगोड़ा करके काम करेंगे क्या, या जो भी अभी कठिनाइयाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम हैं,
उसका सामना करेंगे। तो जीवन के हर प्रॉब्लम को उसको सामना करने के लिए हम तैयार करते काउंसलिंग के माध्यम से, मानसोपचार के माध्यम से, हिप्नोसिस के माध्यम से, और वो अच्छा जीवन जी सकता है। उसको काफ़ी हमारे सेशन में उसको काफ़ी हल्का लगता है, लाइट लगता है, उसको लगता है कि काफ़ी सारा बोझ दिमाग से निकल गया है और वो अच्छा होकर फिर अपना जीवन जी सकता है और आगे चल के भी उसको ऐसे फिट आती नहीं है। जब काटा निकाल दिया तो फिट फिर से आएंगी नहीं, मगर काटा वैसे के वैसी है और ऊपर से मलम पट्टी कर दिया, लगता है कि जख्म तो भर गई मगर काटा अंदर है तो फिर से जख्म तैयार हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि काटा निकालते हैं, जख्म को पट्टी नहीं लगाते, मालिश नहीं करते, काटा ही निकालेंगे, सोर्स से उसको ठीक करेंगे। तो ये इस तरह का इलाज। आप हमको ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग करके लोग अच्छे होते हैं, या फिर लोग हमारे यहाँ पेशेंट को लेके आते हैं, यहाँ दो चार दिन के लिए मुकाम करना पड़ता है और फिर उनको विद फैमिली आ गए तो बहुत ही अच्छा, फैमिली के साथ साथ आ गए तो, क्योंकि हमको फैमिली की डिटेल हिस्ट्री हम जान सकते हैं और फैमिली में क्या डायनामिक्स चल रहा है उसकी जानकारी भी हमें उसमें मिल जाती है। तो इस तरह का हम इलाज करते रहते हैं, सम्मोहन से, मेडिटेशन से, काउंसिलिंग है, साइकोथेरेपी, मानसोपचार है, उससे होता है और लोग अपना जीवन अच्छा जी सकते हैं। आप ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो जरूर लोगों को शेयर करो। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उनको हिस्टोरिकल बीमारी हो जाती है, जो मन की बीमारी है। या आप वीडियो लोगों को शेयर करते हैं तो आप हमारे पार्टनर बन जाएंगे, कौन सी इसमें, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल एंड एडिक्शन फ्री इंडिया, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत, हमारे मिशन में आप हमारे पार्टनर बन जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।